नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं होती है तो कश्मीर का हश्र गाजा और फिलिस्तीन जैसा ही होगा, जिस पर इसराइल द्वारा बमबारी की जा रही है। लंका अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा है कि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है और मामले में बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि हम भारत से बात करने को तैयार हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं? जम्मू कश्मीर में कोविड की जांच लगातार बढ़ाई जा रही है। अब हर दिन औसतन 300 से 400 लोगों की जांच हो रही है। वहीं श्रीनगर जिले में फिर से मामले सामने आने लगे हैं। बीते 4 दिनों में 3 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। वहीं प्रशासन लोगों को भीड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने के लिए कह रहा है। जम्मू में जांच तेज कर दी गई है। 250 संदिग्ध मरीजों के कोविड टेस्ट हुए। अच्छी बात ये रही कि किसी को भी कोविड की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फ्लू से पीड़ित लोगों का अस्पतालों में आना जारी है। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 3 स्थानीय आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस सेना के जवानों के साथ मिलकर पांजू और गामीराज इलाके में छिपे आतंकी धरपकड़ के लिए एक तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 3 स्थानीय आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 2 पिस्टल व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। तीनों से गहन पूछताछ जारी है। ये तीनों सीमा पार बैठे आतंकी हैंडलर्स के साथ भी इंटरनेट माध्यम के जरिए लगातार संपर्क में थे। कश्मीर में शुष्क मौसम के बीच कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। बीते दिन चिले कलान की खून जमा देने वाली ठंड के साथ साथ श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित रहा। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतें हुई। घाटी के तमाम स्थानों पर न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे बना रहा। वहीं जम्मू में सुबह और रात को ठंड का प्रकोप है। जम्मू में अधिकतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सुबह तड़के लद्दाख की धरती फिर से कांप उठी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप सुबह लगभग 4 बजे आया। इसका केंद्र सतह से 5 किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। वहीं बीती रात जम्मू में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वहीं आज तड़के जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता किश्तवाड़ में 3.7 मापी गई। पुंछ में 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्दों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बीते दिन ग्राउंड जीरो पहुंचे और जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने सैन्य अधिकारियों से कहा कि आतंकियों के खात्मे के लिए पेशेवर तरीके से पूरी मजबूती से अभियान चलाएं। इस बीच रजौरी पुंछ के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुतियां दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां देश में सबसे ज्यादा युवा है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। भारत के लिए साहेबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे बेटों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद करने के लिए हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मुख्तार रसूल वाणी सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाया, उससे कांग्रेस असहमत है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले साल सितंबर तक हो जाने चाहिए।